नवरात्रि के आखिरी दिन हरिद्वार के मंदिरों में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ गई है। सिद्धपीठ चंडी देवी मंदिर में भी श्रद्धालुओं की लंबी कतार लगी हुई है। मान्यताओं के अनुसार अगर कोई भी भक्त सच्चे मन से मां के दरबार में आकर कुछ मांगता है तो मां भगवती उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। चंडी देवी मंदिर में दर्शन के लिए दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ आते हैं। प्राचीन काल में जब धरती से लेकर स्वर्ग तक शुंभ निशुंभ नामक राक्षसों का अत्याचार बढ़ गया था, तब देवी देवताओं के आवाहन पर मां भगवती ने चंडी का रूप धारण किया। उन्होंने दोनों राक्षसों का वध कर उन्हें उनके अत्याचारों से मुक्ति दिलाई। उसके बाद भक्तों के कल्याण के लिए मां चंडी देवी हरिद्वार में नील पर्वत पर स्तंभ के रूप में और मंगल चंडी के रूप में विराजमान है। हरिद्वार से नवीश तोमर की रिपोर्ट। देख रहे हैं कि इस बार जो है अष्टमी और नवमी एक साथ आ रही है और ये सबसे दुर्लभ जो है योग बन रहा है भगवती का, क्योंकि भगवती की जो कथा है उसमें भी सबसे यही बताया गया कि जो भी अष्टमी नवमी और चतुर्दशी जो चंडी चौदस के दिन इस स्थान पर माँ भगवती के नील पर्वत पर विराजमान जो माँ भगवती माँ चंडी देवी जी है उनके जो दर्शन करता है उसे विशेष फल की प्राप्ति होती है। तो इस पर्व में जो है देश विदेश से देश के सभी कोनों से सभी श्रद्धालु यहाँ पहुंच रहे हैं और माँ भगवती के दर्शन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं और हवन इत्यादि का कार्य भी यहाँ पर चल रहा है। और जैसा कि आप देख रहे हैं सभी श्रद्धालु जो है बड़े उत्साह से माँ भगवती के दर्शन करके अपनी मनोकामनाएं मांग रहे हैं। कई श्रद्धालुओं की जो मनोकामनाएं पूर्ण हो गई हैं वो अपनी चुन्नी या धागा उसे खोल करके माँ भगवती के चरणों में चढ़ा रहे हैं और अपनी मनवांछित मनोकामना पूरी करके यहाँ से जा रहे हैं।